कर पा रहा है कि इंडस्ट्रियल सिकनेस की वजह से। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में उसके मीनिंग और उसके कॉसेस, क्या क्या कॉसेस थे, क्या क्या क्लासिफिकेशन था, वो सब हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखते हैं कि क्या आउटकम से क्या परिणाम है। अगर कोई इंडस्ट्रीज बंद होती है इंडस्ट्रियल सिकनेस, तो उसके प्रभाव से कितने लोगों को फर्क पड़ता है, क्या क्या प्रभाव है, क्या क्या परिणाम है। तो क्या है वो बैड इम्पैक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर कोई भी कंपनी बंद होती है, कोई इंडस्ट्रीज बंद होती है, तो क्या है जो भी एम्प्लॉयर है उनकी इकोनॉमिक की कंडीशन बहुत ही खराब हो जाती है। उनको कोई पैसे आने का कोई आवाज ही नहीं रहता है कि जहाँ से वो पैसे उनके पास आ सके। तो कोई भी इंडस्ट्री बंद होती है तो सबसे पहले बुरा असर किस पे पड़ता है, उसके एम्प्लॉयर, उसके श्रमिकों को, कि उनके पास कोई काम नहीं रहता, बंद हो जाता है। कभी कभी कंपनी स्ट्राइक पे, कोई कुछ वर्कर जो स्ट्राइक कर देते हैं, लॉक आउट हो जाता है। तो ये इसका परिणाम है, इसको किसको भोगना पड़ता है, एम्प्लॉयर्स को। तो ये क्या है इसका परिणाम भी क्या है, वैसे जो इक्विपमेंट कि अगर कुछ इंडस्ट्रीज है वो कुछ टाइम के लिए मतलब बंद हो रही है, तो उसका क्या है, दिन के दिन क्या होता है, मशीन बंद रहता है, मशीन खराब होने लगता है। और आप लोगों ने सुना ही होगा, अगर कोई इंडस्ट्री लॉस पे जा रही है तो वहाँ एम्प्लॉयर्स की छटनी होनी शुरू हो जाती है। अगर छटनी होना शुरू होगा, तो उसमें से जो बेस्ट एम्प्लॉयर हमको रख देते हैं और बाकी सब एम्प्लॉयर को बिठा देते हैं। तो क्या है उनके पर उनकी जगह मतलब वो मशीन क्या होती है, सब बंद पड़ी रहती है। तो क्या है वो भी वेस्टेज हो जाता है पूरा इक्विपमेंट्स का, पूरी मशीन्स की। फिर क्या है हमारा बैड इन्फ्लुएंस ऑन एम्प्लॉयज के भी बहुत ही बैड इन्फ्लुएंस होता है उनका, बहुत ही नहीं होते ना, तो बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से क्या है उनको इकोनॉमिक कंडीशन या जो भी चीज़ें, उसमें बहुत ही प्रॉब्लम आ जाती है। और फिर क्या है गवर्नमेंट की लॉस ऑफ रेवेन्यू। गवर्नमेंट क्या है, जो रेवेन्यू है जब कोई इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो उसको रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा। जब कोई इंडस्ट्री ओपन करता है तो वहाँ पर का जहाँ भी स्टार्ट किया है उसका प्रॉपर्टी टैक्स देता है वो। तो वो क्या है गवर्नमेंट के लिए क्या है, वो रेवेन्यू है। जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के लिए क्या है, रेवेन्यू। जब कोई इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो कहाँ से रेवेन्यू पे करेगा, कहाँ से वो टैक्स पे करेगा। और कुछ कुछ इम्प्लॉयर्स की सैलरी अच्छी होती है, उनका इनकम टैक्स भी कटता है, तो उससे भी गवर्नमेंट को मुनाफा होता है, रेवेन्यू मिलती है, जिससे क्या है जो उस रेवेन्यू को दूसरी चीज़ों में अच्छे से वो लगा सके। बट ये सब कारण से क्या होता है, नहीं हो पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा परिणाम है जिसको गवर्नमेंट को भोगना पड़ता है, कि उसकी रेवेन्यू की कमाई मतलब जो रेवेन्यू है वो ठीक से नहीं मिल पाता है। फिर है हमारे इंडस्ट्रियल डिस्टर्बेंस। इंडस्ट्रीज को भी बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है ये सब कारण से। अगर कोई कंपनी अच्छे से रन कर रही है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट अगर कुछ कारण बस वो बंद हो जाता है तो क्या है उस पर जो भी चीज़ है वो क्या है पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा अशांति हो जाती है, उसमें कोई भी चीज़ सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो ये भी बहुत बड़ा परिणाम है कि पूरी इंडस्ट्रीज को क्या हो जाता है, वो डिस्टर्बेंस में आ जाता है। फिर क्या है लॉस इन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या आने लगता है, लॉस ऑफ फाइनेंस। जब कोई इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो सबसे पूरा असर तो पहले कि फाइनेंस में पड़ेगा। अगर उनके पास फाइनेंस ही नहीं रहेगा तो वो कैसे कुछ भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करेगा, कुछ भी कैसे वर्कर्स को पे करेगा। तो ये सब बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो ये लॉस होता है, उसको बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है कोई भी इंडस्ट्रीज को। फाइनेंशियल हर कुछ भी चीज़ का प्रॉब्लम कैश नहीं
मतलब लॉस पे जा रही है।